उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में चल रही गठबंधन की अटकलों पर मुलायम सिंह यादव ने आज विराम लगा दिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, वह विधानसभा चुनाव में अकेली लड़ेगी। अगर कोई पार्टी चाहे तो सपा में विलय कर सकती है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी RJD, JDU और अन्य दलों के साथ मिलकर बिहार की तरह UP में भी महागठबंधन बना सकती है। इसकी सुगबुगाहट उस वक्त तेज हो गई थी जब सपा के रजत जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, देवेगौड़ा समेत कई दलों के नेता एक साथ एक मंच पर आए थे। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि जल्द ही यूपी में महागठबंधन हो सकता है। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान CM अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अगर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन होता है तो हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इसके बाद महागठबंधन की अटकलों को और बल मिला था, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि यूपी में सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। तो साफ है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने बल पर लड़ेगी। महागठबंधन ना होने का फिलहाल कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, RLD समेत अन्य दलों ने ज्यादा सीटों की मांग की थी, जिस पर सहमति नहीं बन पाई है और शायद यही कारण है कि यूपी में फिलहाल महागठबंधन नहीं हो रहा है। देखते रहिए DB Live।